हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। आज हम कंप्यूटर में इंटरनेट से जुड़े कुछ विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि परीक्षाओं में बहुत सारी पूछे जाते हैं प्रश्न जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। जैसे कि CCC से इसमें कुछ विशेष चीज़ें दी गई हैं, जिसे हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? जैसा कि हम सभी लोग इंटरनेट प्रयोग करते हैं, और इंटरनेट में होता क्या है कि हमें कोई सूचना अगर खोजनी है तो सीधे हम गूगल में जाते हैं। गूगल आज हम यूज करते हैं, और यहाँ पर जैसे सर्च बार दिया गया है, इस सर्च में हम अपनी सूचना को लिखते हैं और यहाँ से सर्च कर देते हैं या एंटर कर देते हैं। जैसे ही हमारे सामने उससे जुड़े हुए हजारों कंटेंट्स आ जाते हैं, फिर हम उसमें से अपनी आवश्यकता की चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सर्च इंजन क्या चीज़ है, सर्च इंजन कहते किसे हैं, क्या गूगल ही सर्च इंजन है, इसके अलावा कोई और नहीं है, क्या इसी के अंदर हम प्रयोग कर सकते हैं, अन्य जगहों पर नहीं कर सकते हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो लिखा है व्हाट इज सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन को खोज इंजन भी कहा जाता है, सर्च इंजन को खोज इंजन भी कहा जाता है। जैसा कि वर्तमान सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध सभी वेबसाइट को स्कैन और एनालाइज कर उस वेबसाइट पर उपलब्ध यूजफुल डाटा को अपने सर्वर पर सेव रखते हैं, और इंजन के ऐसा करने की प्रक्रिया को वेबसाइट क्रॉलिंग कहा जाता है। किसी यूजर के सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करते ही सर्च इंजन अपने डेटाबेस में पहले से ही वेबसाइट को स्कैन कर रखी गई जानकारी को फिल्टर कर यूजर की सर्च की गई जानकारी से मैच होती जानकारी को यूजर के सामने प्रदर्शित करता है, और यह सब कुछ ही सेकंड के अंदर होता है। जैसा कि हम सभी लोग सर्च करते हैं, यूजर द्वारा सर्च इंजन पर सर्च के लिए लिखे गए शब्दों को कीवर्ड्स कहा जाता है। जैसे कि हम उसके अंदर कोई कीवर्ड्स लिखते हैं, जो आपको हो सकता है उसे आप लिखते हैं, यहाँ से सर्च के हिसाब से हम उसको सर्च करते हैं, तो हमें क्या चाहिए उसके हिसाब से हम सर्च करते हैं, तो उस सर्च को कीवर्ड्स भी बोला जाता है। अब लिखा है सर्च इंजन के द्वारा हम क्या सर्च करते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब सर्च इंजन के उदाहरण क्या क्या हैं, कौन से सर्च इंजन हैं जिससे हम सूचना को खोज पाते हैं, इन चीज़ों को आज हम जानने वाले हैं। जैसा कि सर्च इंजन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन, वर्तमान में हम कई सर्च इंजन्स का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सर्च इंजन्स निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर एक गूगल, गूगल सभी लोग यूज करते हैं, गूगल प्रायः यूज होने वाला हमारा एक सर्च इंजन है। गूगल की शुरुआत वर्ष 1997 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी। गूगल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला सर्च इंजन है। वर्तमान में गूगल में लगभग प्रति सेकेंड 63,000 सर्चेस किए जाते हैं, और गूगल के पास सर्च इंजन मार्केट शेयर बाजार का लगभग 92.81% हिस्सा है। गूगल इतना पॉपुलर होने की केवल एक ही वजह है इसका इंफॉर्मेशन डेटाबेस, क्योंकि इसमें कुछ भी सर्च करने पर तुरंत जवाब मिल जाता है। हम गूगल के अंदर जब भी कोई सूचना डालते हैं सर्च करने के लिए, तो उससे सटीक हमें रिजल्ट मिलता है, इसलिए अधिकतर लोग गूगल का ही प्रयोग करते हैं। अगला एक सर्च इंजन है बिंग। बिंग जो हमारा है, बिंग के माइक्रोसॉफ्ट के CEO स्टीव वॉल्मर द्वारा वर्ष 2009 में शुरू किया गया था। बिंग जो हमारा ये बिंग सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन की सूची में गूगल के बाद दूसरे नंबर पर है। बिंग सर्च इंजन मार्केट शेयर की लगभग 2.38% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। ये बहुत लोकप्रिय सर्च इंजन है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पुराने सर्च इंजन लाइव सर्च और एमेसन सर्च इंजन से रिप्लेस किया था। फिर आपका नेक्स्ट है याहू। याहू भी एक सर्च इंजन है, जहां से हम सूचनाओं को खोज सकते हैं। याहू जो आपका है, याहू एक सर्च इंजन और पोर्टल होने के साथ साथ यह अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कराने में सक्षम है, जिसमें याहू मेल सबसे ज़्यादा प्रचलित है। याहू की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा वर्ष 1994 में बनाया गया था, और 1995 इसका नाम याहू रखा गया था। एट अनादर हिरेसिकल ऑफिशियस ओरेकल याहू है, जो इसका पूरा नाम होता है।
याहू में आप किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें कैलेंडर, फाइनेंस, गैजेट्स, रियल एस्टेट, मेल, म्यूजिक और मूवी आदि में भी देख सकते हैं। अगला आपका जो सर्च इंजन है वो सर्च इंजन का प्रयोग भारत में कम किया जाता है, परंतु इसमें बहुत सारी हिंदी वेबसाइट उपलब्ध हैं और ये हिंदी सर्च के हिसाब से एक अच्छा सर्च इंजन है। सर्च इंजन मार्केट में इसका लगभग 0.06% शेयर माना जाता है। फिर अगला आपका सर्च इंजन है यानडेक्स। यानडेक्स यानडेक्स की शुरुआत आर्केडी बेलाजो और आर्केडी बोरबेसी ने 1997 में की थी। यह रूस का सबसे प्रचलित सर्च इंजन है। रूस में यानडेक्स को सबसे पॉपुलर सर्च इंजन का दर्जा दिया गया है। यानडेक्स में किसी भी जानकारी को सर्च करना गूगल की तरह ही आसान है। यह सर्च इंजन के अलावा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त करता है। भारत में इसका मार्केटिंग शेयर मात्र 0.01% है। नेक्स्ट आपका है डक डक गो। ये भी सर्च इंजन है। डक डक गो एक सर्च इंजन है जो विभिन्न सूचनाओं को यूजर्स तक पहुंचाने का कार्य करता है और यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है। डक डक गो को वर्ष 2008 में गैब्रियल बेनबर्ग द्वारा लॉन्च किया गया था। डक डक गो द्वारा अपने ऐप भी लॉन्च किए गए जो प्ले स्टोर में डक डक गो प्राइवेसी ब्राउजर के नाम से उपलब्ध हैं। डक डक गो गूगल और बिंग की तुलना में छोटा सर्च इंजन है। डक डक गो की दुनिया भर के सर्च इंजनों में लगभग 1% भागीदारी है, हालांकि यह पहले 7.2 बिलियन से अधिक सर्चेज कर चुका है। कुछ और सर्च इंजन हैं जिनके बारे में नहीं लिखा गया है, हम आपको उनके नाम बताते हैं इसमें दिया गया। जैसे गूगल सर्च, यानडेक्स सर्च, आपने देखा हमने बताया इन चीज़ों के बारे में। वॉलफॉर्म अल्फा एक सर्च इंजन है। स्टार्ट पेज, एकोसिया, डक पाइल, एओएल, याहू सर्च, क्वांट, लॉयकस, गीगा ब्लास्ट, सीआरएक्स, मेटा गियर, एपी, वेब क्राउलर और ये तमाम सारे सर्च इंजन इसमें दिए गए हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सर्च इंजन के प्रकार क्या हैं, सर्च इंजन के प्रकार क्या होते हैं। सर्च इंजन को प्रमुखतया तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सर्च इंजन को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक आपका है क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन, दूसरा आपका है डायरेक्टरीज बेस्ड सर्च इंजन, तीसरा आपका है हाइब्रिड सर्च इंजन। क्राउलर सर्च इंजन क्या होते हैं? क्रॉलर सर्च इंजन के डेटाबेस की नई सामग्री को क्रॉलर और इंडेक्स करने के लिए स्पाइडर क्रॉलर रोबोट और बोर्ड प्रोग्राम्स का प्रयोग करते हैं। यह किसी भी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में परिवर्तित करने के लिए क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, कैलकुलेटिंग, रेलिवेंसी और रिट्राइविंग रिजल्ट, इन सभी नियमों का पालन करता है। गूगल, बिंग, याहू, क्रॉलर सर्च इंजन के प्रमुख उदाहरण है। आपका सेकेंड है डायरेक्टरी सर्च इंजन। डायरेक्टरी सर्च इंजन क्या होते हैं? जो वेब डायरेक्टरी को सब्जेक्ट डायरेक्टरी के रूप में जाना जाता है। डायरेक्टरी सर्च इंजन को कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की एक लिस्ट दी जाती है और वेबसाइट किस विषय में है इसका एक छोटा डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। इस तरह के सर्च इंजन पूरे मानव संचालित होते हैं। इसमें वेबसाइट का ओनर इन डायरेक्टरीज में खुद अपनी वेबसाइट सबमिट कर सकता है। याहू, डोमोज, बोटम, ये सभी डायरेक्टरीज सर्च इंजन के उदाहरण हैं। हाइब्रिड सर्च इंजन क्या होते हैं? हाइब्रिड सर्च इंजन क्रॉलर और डायरेक्टरी सर्च इंजन का मिश्रण है। इस कैटेगरी में आने वाले सर्च इंजन क्रॉलर सर्च इंजन और डायरेक्टरी सर्च इंजन दोनों से वेब पेज लेकर अपने परिणामों को दिखाता है। लेकिन वर्तमान में हाइब्रिड सर्च इंजन पूरी तरह क्रॉलर में आधारित हो गए हैं। याहू, गूगल हाइब्रिड सर्च इंजन के उदाहरण हैं। सर्च इंजन का उपयोग क्या होता है? सर्च इंजन का उपयोग जानकारियां प्राप्त करने, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने, नई जगह, लोकेशन, फ्लाइट, ट्रेन, बस आदि की बुकिंग आदि से जुड़ी विभिन्न वेबसाइटों को ढूंढने के लिए किया जाता है। आज के समय में सर्च इंजन का उपयोग बहुत व्यापक हो गया है। टिकट बुकिंग से लेकर गाने, वीडियो, फिल्में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाचार, देश विदेश से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हम सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। तो ये थी सर्च इंजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करते हैं ये आपके लिए काफ़ी सहयोग करेंगी आपकी शिक्षा में। यदि आप इंटरनेट से कुछ सर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी सहयोग करने वाले सर्च इंजन हैं जहाँ से आप सूचनाओं को खोज सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।